like a Hellcat. आज मैं बनाने जा रही हूँ सुरमई मच्छी, लेकिन नारियल के दूध में। सुरमई मच्छी फिश करी बना रही हूँ नारियल के दूध में, कोकोनट मिल्क में। तो बताते हैं मलबारी स्टाइल का एक्सेंट कैसा है बनाने का। तो ये यहाँ पे मैंने ना कोकोनट का एक अक्खा बड़ा नारियल का दूध निकाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सुरमई मच्छी ली हुई है, पानी से एक मरतबा वॉश किया है और इसमें मैंने नमक लगा के छोड़ दिया है। अभी इसे दोबारा से भी धोए ले वॉश करेंगे पानी से, लेकिन एक बार पानी से वॉश करके अच्छी तरह इसे साफ करके मैंने नमक लगा के इसे नमक में रखा हुआ है। दोबारा से इसे धोना बाकी है। यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच हल्दी ली हुई है, दैट्स टर्मरिक। 1 teaspoon ही फुल भर के मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया हुआ है। ज़ीरा आधी छोटी चम्मच, दैट्स क्यूमिन सीड। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। गार्लिक लिया हुआ है, लहसुन एक अक्खी डली ली हुई है मैंने। 2 tomatoes को इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है मैंने, ठीक है। थोड़ी आधी प्याज ली हुई है, दैट्स अनियन। कोथमीर, दैट्स कोरिएंडर। धनिया करी लीव्स लिया हुआ है, कड़ी पत्ते, चंद कड़ी पत्ते लिए हुए हैं। 3 हरी मिर्च ली हुई है। यहाँ पे मैंने कोकम को भीगते हुए रखा है आधे घंटे से पानी में, ठीक है। और ये दूसरा कड़ी पत्ता हमने अलग तड़के के लिए लिया हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका मसाला तैयार करेंगे। तो मसाले के लिए है ना, इस जार में मैं ये लहसुन, दैट्स गार्लिक, 2 tomatoes, हरी मिर्च, कोथमीर, अनियंस और ये ज़ीरा, ठीक है, ये ज़ीरा भी शामिल कर देंगे। और साथ ही में हम क्या करेंगे, ये कोकम का थोड़ा पानी और थोड़ा सा कोकम ये भी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। और फिश को भी यहाँ पे हम धो लेंगे, ये जो मच्छी है ना सुरमई, इसको भी धो के रखेंगे, ठीक है। तो इसका पेस्ट बना के आपको नेक्स्ट बताते हैं। फिर यहाँ पे मैंने एक पतीले में 3 tablespoon ऑयल डाल दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये चंद दाने हैं, मैं ये बताना भूल गई थी, क्या बोलते हैं इसे, मेथी, फेनुग्रीक सीड्स, वो डाल देंगे, ठीक है। कभी कभी कुछ ये भूल जाने होता है, मतलब ज़बान पे होता है लेकिन याद नहीं आ रहा कि इसे क्या कहते हैं, ऐसा होता है कभी कभी। आप लोगों के साथ होता होगा, होता होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये गरम हो रहा है, हाँ, मेथी दाने देखो उसमें बबल्स आना शुरू हो गए। तो अब मैं इसमें ये कड़ी पत्ते डाल देंगे, ठीक है, मिक्स कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, जो पेस्ट बताया था ना, ये हो गया, ये जो टमाटो, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च जो हमने पीसे थे ना, ये वो है, ठीक है। साथ ही में ये ड्राई मसाला जो भी मैंने बताया था ना, और नमक, ये भी शामिल कर देंगे। और एक वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो बिल्कुल भी नहीं भूलना है डालना, धनिया पाउडर, भुना कूटा धनिया पाउडर है ये। ये देखिए मैंने कितने चम्मच डाला है, 2.5, ठीक है। अच्छी तरह इसे भून लेंगे, देखो इसमें जब तक भूनेंगे जब तक इसमें ऑयल रिलीज ना हो जाए, ठीक है, अच्छे से भून लेंगे।
ये हो गया। अब ये जो इसमें साइडों पे लगा है ना, इसमें भी पानी डाल के पूरा मसाला ले लेंगे, वेस्ट कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये ऐसे लेके अच्छे से डाल, ये हो गया। देखिए कितना खूबसूरत कलर निकल कर आया है, ठीक है। अब ये क्या करना है, मैं आपको ना प्याले के मेजर से बताती हूँ। ये है ना, मैंने एक अखा नारियल का 3 बार मैंने ये दूध निकाला हुआ है। नारियल का दूध निकालना कैसा होता है ये मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया है। ये देखिए एक, क्योंकि मैंने पहले सोल कड़ी की वीडियो डाला हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये देखो ये 2 प्याले और ये थोड़ा सा रह गया है, ये देखो इसमें पानी हरगिजन अभी डालना नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि ये जो लगा है ना ये दूध, ये निकालना है। तो ये थोड़ा सा पानी, देखो बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैंने डाला है इसमें, ठीक है। और अभी इसे एक अच्छा बॉईल आने देते हैं। मैंने ना सोल कड़ी की भी वीडियो अपलोड की है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि नारियल का दूध किस तरीके से निकाला जाता है। फिलहाल इसे बॉईल होने देते हैं, तो इस पे मैं लिड लगा देती हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, या पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो भी प्लीज़ कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसे अभी लिड लगा देते हैं, फिर आपको नेक्स्ट बता। अब चेक करते हैं, इसमें अच्छा खासा बॉयल आ रहा है। इसमें हमने बिल्कुल ज़रा सा पानी डाला था, ये देखिए कितना अच्छा और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो सारी फिश को मैं इसमें अभी डाल दूँगी। ये बहुत बड़ी मच्छी है, तो आधी मैं अभी सालन बना रही हूँ। मच्छी फ्राई मैं नेक्स्ट आपको बताऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में फ़िश फ्राई कैसे करते हैं। ये देखिए मैंने सारी फ़िश को डाल दिया है, तो फिलहाल इसे कवर करेंगे और कुछ भी नहीं, 5 मिनट के बाद चेक करेंगे। 5 मिनट के बाद ओपन करके चेक करते हैं। वाओ कितना बेहतरीन खुशबू भी आ रही है, और कलर भी देखा आपने कितना अच्छा आ गया है। ये देखिए सारे फिश मस्त हो गया है, तो ये तैयार हो गया है। तो अब हम इसे सर्व करते हैं विथ सोल कड़ी। तो गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर देती हूँ। गर्मा गर्म सुरमे मच्छी का सालन नारियल के दूध में बनके तैयार है। इसे राइस, स्टीम राइस, सोल कड़ी, काकड़ी, अचार और पपड़म, ये मलबारी पपड़ है, पपड़म के साथ एंजॉय कीजिए। इसे ज़रूर बनाइए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है। और ये जो सोल कड़ी है ना, इसकी मैंने रेसिपी ऑलरेडी अपलोड की है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि नारियल का दूध किस तरीके से निकाला जाता है। और इसे स्टीम राइस के साथ एंजॉय कीजिए, या चावल की रोटी के साथ भी आप एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन जायका आता है इसका। कुछ अच्छा लगा, नया सीखने मिला है कुछ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को, राहत किचन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। पहली बार भी अगर आप देख रहे हो या देख के दोबारा देख रहे हो तो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।